हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन विथ ऑल ऑफ यू। तो अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट मैच थर्ड डे ग्रेटर नोएडा पे हो रहा है? नहीं हो रहा है, तीसरा दिन भी वॉश आउट हो गया क्योंकि कल बारिश हुई थी, उसकी वजह से ग्राउंड गीला है। तो जब एक दिन की बारिश में 2 दिन मैच नहीं होता है तो फिर ये तो एक लास्ट इवनिंग ही बारिश हुई है। तो 9:15 तभी मैच ऑफिशियल्स ने बोल दिया कि आज का दिन कॉल ऑफ करते हैं। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में इंग्लैंड में T20 सीरीज़ होगी, तो उसका आज पहला मैच है, वो कल देखेंगे कल क्या होता है उसमें। अब बात करते हैं वुमेंस T20 वर्ल्ड कप की। तो वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इंडियन वुमेंस टीम का फर्स्ट मैच 4 अक्टूबर को है। तो पहले तो ग्रुप की बात कर लेते हैं। इस वीडियो में हम इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के रिसेंट फॉर्म और जो उनका वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो रैंकिंग की बात कर लेते हैं। ICC T20 रैंकिंग की वुमेंस टीम अपने क्रिकेट की 3rd नंबर पे है, ठीक है। अब जो ग्रुप ए है क्रिकेट वर्ल्ड कप का, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का वुमेंस का, उसमें 5 टीमें हैं। 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी, दोनों में 5-5 टीम्स हैं। तो इंडिया जिस ग्रुप में है, ग्रुप ए में है, उसमें 5 टीम्स कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम है, इंडिया नंबर 3 टीम है, न्यूजीलैंड नंबर 4 टीम है, श्रीलंका नंबर 7 टीम है एंड पाकिस्तान नंबर 8 टीम है ICC की रैंकिंग्स में। अब इंडिया का फर्स्ट मैच जो है वो न्यूजीलैंड के साथ है 4 अक्टूबर को, दूसरा मैच है 6 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ, तीसरा मैच है 9 अक्टूबर को श्रीलंका के साथ, चौथा मैच है 13 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो जब तक ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होगा अब इंडिया की टीम का, तब तक सिनारियो शायद थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि इंडिया क्वालिफाई कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि 2 ग्रुप्स में टीम डिवाइडेड है एंड दोनों ग्रुप्स में जो टॉप 2 टीम्स होंगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी एंड सारी टीम्स क्लोज हैं। मतलब कि इंडिया का थोड़ा डिफिकल्ट ग्रुप लग रहा है बिकॉज फर्स्ट रैंक ऑस्ट्रेलिया है, 3rd रैंक इंडिया है एंड 4th रैंक न्यूजीलैंड है। 7-8 पे श्रीलंका और पाकिस्तान है, वो तो थोड़े इजी ओपोनेंट होंगे लेकिन इतने भी इजी नहीं होंगे बिकॉज श्रीलंका ने अभी एशिया कप का जो फाइनल हुआ था T20 का, उसमें फाइनल में इंडिया को हराया था श्रीलंकन वुमेन क्रिकेट टीम ने। तो अब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच डिफिकल्ट होगा, इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया के साथ लास्ट मैच है तो वो वहाँ पर सिनारियो थोड़ा क्लियर होगा। न्यूजीलैंड के साथ थोड़ा डाइसी मैच है, श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ चलो निकाल लेंगे, न्यूजीलैंड के साथ थोड़ा डाइसी मैच है क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ फर्स्ट मैच है और न्यूजीलैंड 4th रैंक है, इंडिया 3rd रैंक है, तो क्लोज होगा। और इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में रिसेंट टाइम्स में कुछ ज़्यादा मैचेस हुए नहीं है। मतलब लास्ट मैच देखने जाएँ अगर T20 तो 2022 में हुआ था, वो भी न्यूजीलैंड में हुआ था, T20, उसमें न्यूजीलैंड जीत गई थी। उससे पहले 2020 में वर्ल्ड कप में इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ था तो इंडिया जीती थी वो मैच। एंड उससे पहले 2019 में एक सीरीज़ हुई थी तो न्यूजीलैंड में गई थी इंडिया, उसमें 3 मैचेस हुए थे, तीनों न्यूजीलैंड जीत गई थी। तो लाइक इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में जो UAE में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें रिसेंट ईयर्स में, पिछले 5 साल में ज़्यादा मैचेस हुए नहीं है। अगर ओवरऑल रिकॉर्ड देखें इंडिया और न्यूजीलैंड का तो दोनों के बीच में 13 मैचेस हुए हैं जिसमें से इंडिया ने 4 जीते हैं एंड न्यूजीलैंड ने 9 जीते हैं। तो यहाँ पे देख के लगेगा कि न्यूजीलैंड का थोड़ा पल्ला भारी है, लेकिन जब वर्ल्ड कप की बात आती है T20 वर्ल्ड कप की, तो दोनों के बीच में 4 मैचेस हुए हैं, 2 न्यूजीलैंड ने जीते हैं, 2 इंडिया ने जीते हैं, तो 50-50 रिकॉर्ड है। एंड द एडवांटेज इज़ कि जो लास्ट 2 मैचेस हुए हैं T20 वर्ल्ड कप में वो इंडिया ने जीते हैं, न्यूजीलैंड ने फर्स्ट 2 T20 मैचेस जीते थे वर्ल्ड कप में। तो अगर वर्ल्ड कप का फॉर्म देखा जाए तो इंडिया का थोड़ा फेवर में है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, बट अभी बोल नहीं सकते कुछ क्योंकि थोड़ा क्लोज मैच होगा। अगर इंडिया अच्छे से खेलती है, सारे प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो न्यूजीलैंड के साथ मैच जीत जाएंगे, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट मैच होगा एंड वो भी है भी 4 अक्टूबर को फर्स्ट मैच है तो पता चल जाएगा। अब इंडिया के अगर 2024 में इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की बात करें, फॉर्म की बात करें T20 मैचेस में कैसा है, तो टोटल इंडिया ने 16 मैचेस खेले हैं 2024 में जिसमें से 11 जीते हैं, 4 हारे हैं और 1 का नो रिजल्ट था। तो अगर सीरीज़ वाइज बात करें तो स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैच की सीरीज़ हुई थी, ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी, उसमें इंडिया ने 1 मैच जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच जीता था। उसके बाद बांग्लादेश गई थी इंडिया। अब बांग्लादेश में T20 वर्ल्ड कप होने वाला था, ये पॉलिटिकल अनरेस्ट से पहले, प्रोटेस्ट से पहले, तो कंडीशन से फेमिलियर होने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए शायद इंडिया गई होगी बांग्लादेश। अब 5 T20 मैच खेले थे एंड बांग्लादेश को 5-0 से हरा दिया था आराम से। फिर साउथ अफ्रीका इंडिया आई थी, उनके साथ 3 मैचेस की सीरीज़ हुई थी जिसमें से 1 साउथ अफ्रीका जीती थी, 1 इंडिया जीती थी और 1 नो रिज़ल्ट था, बारिश हो गई होगी एंड उस मैच का कोई रिज़ल्ट नहीं आया।
तो फिर इंडिया ने एशिया कप में T20 मैचेस खेले, 5 मैचेस खेले एंड फाइनल में पहुंची थी। फर्स्ट मैच में पाकिस्तान को हरा दिया, फिर UAE को हराया, नेपाल को हराया, बांग्लादेश को हराया, लेकिन फाइनल में श्रीलंका से हार गई। अब श्रीलंका इंडिया के ही ग्रुप में है तो ICC की रैंकिंग में 7th पे श्रीलंका, बट हरा चुकी है लास्ट मैच जो हुआ उसी में। तब जो ग्रुप है इंडिया का, जो ग्रुप ए है, वो इंडिया के लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट है। ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया रिवेंज मोड में जाएगी एंड इंडिया श्रीलंका को हरा देगी कि ये एशिया कप के फाइनल का रिवेंज लेना है, तो वो एक एडवांटेज हो सकता है। लेकिन वो भी मैच क्लोज होगा बिकॉज श्रीलंका अभी अभी हरा के आई है, तो उनको भी कॉन्फिडेंस होगा कि हम इंडिया को हरा सकते हैं। पाकिस्तान के साथ आराम से जीत जाएगी क्योंकि रिकॉर्ड भी वैसा है एंड पाकिस्तान का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे जीत जाएगी इंडिया। चलो एक मैच जीतती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका, इवन श्रीलंका, इनके साथ डिफिकल्ट होगा। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी प्लेयर्स, कौन कौन से प्लेयर्स इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे। एंड फर्स्ट न्यूजीलैंड के साथ जो मैच था उसके ऊपर ये वीडियो बनाया, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच होगा उसके ऊपर एक और वीडियो आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।